हेलो फ्रेंड, दिस इज यशपाल एंड यू आर वॉचिंग यस्टेक स्कूल। और आज के हमारे पास जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगस्त के महीने में पूछे गए थे, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सेप्टेम्बर या फिर आगे आने वाले दिनों में भी आपसे पूछे जाएँ। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगस्त में जो भी एग्जाम हुए थे इसमें फ्रिक्वेंटली ये पूछे गए थे, तो वही मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले मंथों में है, जैसे सितंबर या फिर जो भी आगे वाले जो मंथ है, अगर उसमें अगर आपका एग्जाम है तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें, हो सकता है आपके भी एग्जाम में आपको ये थोड़ा सा हेल्प करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो भी कुछ वीडियोज़ हैं मैं आपको अपलोड करूँगा तो आपको वही पता पड़े, क्योंकि सेप्टेम्बर आने से पहले कुछ वीडियोस में और भी डालूंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादातर पूछे गए थे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ रन लेवल इन लिनक्स सिस्टम। आपको यहाँ बताना होता है कि लिनक्स सिस्टम में कितने रन लेवल होते हैं। तो आपके जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं 7, 8, 9 और 5। तो यहाँ पे जनरली कन्फ्यूजन होता है 7 और 5 में, तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको राइट आंसर जो होता है 5 होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो है मैं यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इसके कुछ जो मोड होते हैं वो 6 तक होते हैं, जो लेवल होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और सबका एक क्या होता है, मीन होता है। जैसे मैंने 1 अगर बोलता हूँ तो सिंगल यूजर मोड होता है, अगर सेकंड में बोलता हूँ तो मल्टीपल यूजर मोड होता है विद नो FS नेटवर्क फाइल सिस्टम, और थर्ड अगर मैं बोलता हूँ तो मल्टीपल यूजर मोड अंडर द कमांड लाइन इंटरफेस एंड नॉट अंडर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसी तरीके से 4 होता है यूजर डिफाइनेबल होता है, जो 5 होता है वो मल्टीपल यूजर मोड होता है, मल्टीपल यूजर मोड अंडर GUI ग्राफिकल इंटरफेस एंड इट दिस इज द स्टैंडर्ड रन लेवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द लिनक्स बेस्ड सिस्टम। तो ये एक स्टैंडर्ड लेवल है जो कि ज्यादातर लिनक्स सिस्टम में आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, 5 है। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो होता है हाउ मेनी डिजिट इन मैस्ट्रो कार्ड। अगर ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको शो करा रहा हूँ अगर इनके आपको आंसर आते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में लिखिए, ताकि आपको पता पड़े कि ये आपको आते हैं तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम में आपको ये हेल्प करेंगे थोड़े से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाउ मेनी डिजिट इन मेस्ट्रो कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं। तो आपको आंसर जो आपके ऑप्शंस हैं वो है 19 एंड 22, 16 और लास्ट ऑप्शन जो है वो 25। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में डालिए, नहीं पता तो राइट आंसर आपके पास अभी ये शो हो जाएगा और राइट आंसर जो है वो 19 है। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है हु क्रिएटेड बिटकॉइन, बिटकॉइन किसने बनाया है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे नंबर 1 है सतोशी नाकामोटो, इसके अलावा और है बिल गेट्स है, एंड थर्ड पे विराट कोहली और फोर्थ पे थॉमस, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बताना होता है जो इसका जो राइट आंसर है, बेसिकली आपको पता होगा अगर आपने सर्च किया हो या कभी, तो इसका राइट जो आंसर है वो सतोशी नाकामोटो है, तो ये इसका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको ये बताना होता है, सोसाइटी बतानी होती है, द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन स्विफ्ट इज, आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा दूर है, तो इसके कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, इज बैंक वन नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आपको ये बताना वाज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी बेलिंगम, जो कंपनी बेलिंगम में रजिस्टर्ड वो, और तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ द ऑप्शन, और थर्ड जो है बिकम ऑपरेशन इन मई 1977। तो जो राइट आंसर है वो वाज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी इन बेलिंगम है, तो ये इसका आंसर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ बताना है, हाउ मेनी बैंक इन इंडिया ज्वाइन द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट। तो आपको इंडिया में आपको ये बताना होता है कितनी बैंकों ने ये टेली कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है स्विफ्ट का, जिससे आप बैंक जुड़ी हुई है, वो आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो 58 एंड 46, 95 एंड जो लास्ट ऑप्शन होता है 256। तो इसका जो राइट आंसर होता है 46 होता है। स्विफ्ट कोड क्या होता है, जब हमें इंटरनेशनली जब पैसा ट्रांसफर करना होता है तो उसके स्विफ्ट कोड की नीड होती है, तो ये कुछ वही होता है। तो आपको यहाँ बताना है कि इंडिया में कितनी बैंक इससे कनेक्टेड है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, 46 होता है। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है, आपको यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप एज अ एक्सक्लूसिव डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बैंक इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ बैंक। तो उसके कुछ ऑप्शन होते हैं स्विफ्ट, MICR एंड बैंक नेट, और जो लास्ट ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको पता है तो आप कॉमेंट करके बताइए, नहीं तो राइट आंसर अभी आपके पास शो हो जाएगा, और राइट आंसर आपका जो होता है वो होता है बैंक नेट, क्योंकि ये आपको नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का बैंक के अंडर में, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपको बताना है इंडियाज लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे RBI नेट आएगा, NIC नेट आएगा और INET आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, और लास्ट में आपका बैंक नेट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो NIC नेट है, एग्जैक्टली जो आपने देखा वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए टर्म एसोसिएट विद कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स। आपको वहाँ पे आप बताना है कि डिफरेंट कंप्यूटर जो सिस्टम्स होते हैं प्रोसेसिंग स्पीड कौन सी होती है, EFTS, CFPS एंड MPG, और जो लास्ट होता है वो MIPS। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो MIPS होगा, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम भी आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, फर्स्ट रुपए ATM एंड माइक्रो ATM कार्ड विद आधार नंबर वाज इश्यूड बाय, ये इश्यूड कोर्स किस बैंक ने करा है वो आपको यहाँ बताना है। तो कुछ बैंकों के नाम है, ICICI बैंक एंड सेकेंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इज एक्सिस बैंक, और लास्ट ऑप्शन जो होता है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा उसका होगा बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, क्वेश्चन 11, इफ वेरिएबल इज मिसिंग द, ये जो क्वेश्चन है वो आपका लिब्रा कैलसी में से पूछा जा रहा है, एक्सेल जो कैलसी जो होता है लिब्रा में, जहाँ पे कैलकुलेशन आप जो करते हैं जस्ट लाइक एक्सेल। तो यहाँ पूछा जा रहा है, इफ वेरिएबल इज मिसिंग द फॉर्मूला देन एरर मैसेज डिस्प्ले इज, जब कोई वेरिएबल मिस होता है फॉर्मूला के अंदर से तो उसमें डिस्प्ले क्या होगा, कौन सा एरर डिस्प्ले होगा। तो एरर के नाम है 566, 511 एंड 576, और लास्ट का जो है 510। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 510 होगा। जब आप कोई वेरिएबल मिस कर देते हैं तो वहाँ पे एक एरर आता है 510, तो इसका मतलब होता है कोई वेरिएबल आपका मिसिंग है। तो ये सारे एरर कोड होते हैं जो कि लिब्रा कैलसी के अंदर होते हैं, वो आपको शो हो जाएंगे नेट के ऊपर, तो वहाँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया है लिनक्स से, आपको आ रहा है यहाँ पे, विच ऑप्शन ऑफ एलएस कमांड यूज टू व्यू फाइल इन नोड नंबर, आपको बताना है। तो यहाँ पे आएगा एक डैश ए, डैश एल एंड डैश टी, और लास्ट जो है डैश आई। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो फोर्थ वाला होता है, डैश आई, नोड देखने के लिए इस ऑप्शन का आप यूज करते हो, कमांड का यूज करते हैं, सॉरी। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन अभी आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आईडी ऑफ INIT प्रोसेस, आपको बताना है। तो इसके जो आंसर है -4 है, 2 है, 6 है, और लास्ट ऑप्शन 1 है। तो इसका जो आंसर होगा 1 होगा, वो क्यों होगा, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे कि देर आर टू टास्क विद स्पेशली आपको हमें करने होते हैं, प्रोसेस आईडी स्वेपर और स्केल्स हैश प्रोसेस आईडी। तो एक्चुअली में हैश प्रोसेस आईडी 0 होती है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेगिंग एंड इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कर्नल। इसके अलावा जो हमारे पास जो प्रोसेस आईडी जो होती है वो यूजली 1 होती है, तो प्रोसेस आई डी इज 1 इज यूजली द INIT प्रोसेस। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पावर पॉइंट यहाँ पे अभी प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपको बताना है ऐसे जो व्यू जिसके अंदर आपको टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स आपको दिखती होंगी। तो आपके कुछ ऑप्शन है स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड आउटलाइन व्यू, लास्ट ऑप्शन नोट्स पेज व्यू। इसका जो राइट आंसर होगा वो आउटलाइन व्यू होगा, जिसके अंदर आपको ओनली टेक्स्ट एंड टाइटल एंड बुलेट्स आपको दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिनक्स ओपन सोर्स इज एन। तो आपको बताना जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स क्या है, ऑफिस टूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड, या एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इन एनालॉग कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो कुछ ऑप्शन है, इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, सेकंड इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, और ऑल ऑफ द अबव, और एक ऑप्शन आता है आउटपुट इज डिस्प्ले इन डिजिटल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो इसका जो राइट आंसर होता है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, तो डिजिटल फॉर्म में कभी भी इनपुट कन्वर्ट नहीं होता है इन एनालॉग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट एंटर डेटा इन ए सेल, एक सेल के अंदर हम कौन से मेथड से डेटा नहीं डाल सकते। ऑप्शन आपके पास है प्रोसेस प्रेसिंग द एस्केप की, प्रेसिंग एंड एरो की, प्रेसिंग द टैब की, और लास्ट जो ऑप्शन है क्लिक इन द फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप लिखिए, और नहीं तो राइट आंसर जो इसका होता है वो क्या होता है, प्रेस द एस्केप की। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को मैनेज कर रहा हो और उस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हो, वहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करा सकें।
तो इसके ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर है उसका नाम, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोले हैं, या फिर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो आपको उसका राइट आंसर पता है तो आप लिख के बताएं, और नहीं तो राइट आंसर जो होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि आपको हार्डवेयर को ही मैनेज करके रखता है सारा कुछ, वो आपको मैनेज करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसी को आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जैसे विंडोज है, लिनक्स है, एंड मैक और मच मोर, और भी कई सारे हैं। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट इज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं, प्लेन टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट और डिजाइन टेक्स्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना होगा, पता है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको जो राइट आंसर जो होगा वो अभी देखेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, राइट आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो एक साइफर एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जिसको आप इनक्रिप्टेड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है 20। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन ए न्यू फाइल इन ए लिब्रे ऑफिस राइटर। राइटर क्या होता है? एमएस वर्ड की तरह होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है उसकी शॉर्टकट की क्या है अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आपको एक कमेंट करके बताना अगर आपको राइट आंसर पता है, नहीं तो राइट आंसर यहाँ पे अभी शो होगा। तो इसका कंट्रोल एन होता है कोई भी नई फाइल ओपन करनी है तो आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू कैन ओनली डिलीट वन ईमेल एट ए टाइम। तो ये आपसे पूछ रहा है क्या आप एक बार में एक ईमेल डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये आपसे पूछ रहा है क्या खाली आप एक ही ईमेल डिलीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। तो आप तो मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हु इन्वेंटेड एट द एटीएम। एटीएम किसने बनाया है? तो उसके क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है जॉन एडरिन, इसके अलावा जैक किल्वे, और यहाँ पे विलियम जॉन वार्डन। तो इसको राइट आंसर आपको यहाँ पे देखना है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे जॉन एडरिन स्पेड बोरोन है, तो आपको यहां से टिक करना अगर क्वेश्चन कभी आता है तो। ये नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ सेंडिंग ईमेल। कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको अलाउ नहीं करता आप ईमेल कर पाए? व्हाट्सएप, जीमेल, हॉटमेल एंड याहू मेल। तो ये तो आपका आंसर बताइए, बड़ा सिंपल ही है। तो इसका राइट आंसर व्हाट्सएप होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करेंट डेट एंड टाइम इन अ वर्कशीट सेल। वर्कशीट में हमें करेंट डेट टाइम लिखना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? अगर आपको पता है तो आप बताइए, और नहीं तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वहाँ पे क्या होगा? नाउ होगा, जिसमें हमें डेट एंड टाइम लिखने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर नोट्स विच इज द मिनीनेचर स्लाइड ऑन ए प्रिंटेड पेज। छोटे छोटे फॉर्म में जो स्लाइड होती है उनको क्या बोला जाता है वो आपको यहाँ बता, जो प्रिंटेड पेज में आती है, जैसे स्लाइड विद एनिमेशन, आउटलाइन व्यू, इसके अलावा नोट्स पेज होता है, और लास्ट में जो आपके पास आएगा उसको हम बोलते हैं ऑडियंस हैंडआउट। तो हैंडपुट लिखा हुआ है, हैंडआउट्स आप बोल दीजिए, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपको होगा ऑडियंस हैंडआउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स आर बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोथ सेम है या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स है आपके पास। तो यहाँ पे ये आंसर जो होगा इसका फॉल्स रहेगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं होते, इनबॉक्स और आउटबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग ए डेट इन कैलसी। यहाँ पे हमें डेट इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+1, Ctrl+सेमीकोलन, Shift+सेमीकोलन, एंड लास्ट जो है Ctrl+Shift+सेमीकोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वहाँ पे होगा Ctrl+सेमीकोलन। इसमें एक जो और होता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जा रहा है डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, 28 आता है, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर पेइंग बिल्स। तो यहाँ पे एडवांटेज आपको बताने, बिल पे सिक्योर, बिल पे इज कन्वीनियंट, इसके अलावा बिल पे सेव योर टाइम। तो आप बता सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारे काम ये होते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सिक्योर भी है, टाइम भी बचाता है और कन्वीनियंट भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 29 क्वेश्चन, इसमें पूछा था व्हाट डज बोथ टी मीन्स इन एचटीटीपी। तो यहाँ पे ये दो टी होते हैं, इसका मींस क्या होगा? उसके आंसर आप क्वेश्चन आपके ये है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं ट्रांसफर टेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रांसफर एंड ट्रांसफर टाइम, और लास्ट ऑप्शन है टोटल ट्रांसफर। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो यहाँ पे बताइए कमेंट करके, नहीं तो इसका राइट आंसर आएगा टेक्स्ट ट्रांसफर। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो टेक्स्ट ट्रांसफर इसलिए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, शायद हाउ मेनी MB फाइल कैन बी अटैच एंड सेंड फ्रॉम याहू मेल। आपको यहाँ बताना है कि याहू के थ्रू आप कितने MB की फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, 15 MB,
18 MB, 20 MB और लास्ट ऑप्शन 25 MB। तो इसका राइट आंसर जो है वो 25 MB है। याहू के थ्रू आप 25 MB तक की फाइल को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अतर पूछे अगस्त में गए थे, और हो सकता है सेप्टेम्बर में भी आए, और मैं हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम से पहले कुछ और वीडियोस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा जो भी आपको बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे वाले एग्जाम को पास करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।